आज हम लोग बात करेंगे जो एयरफोर्स का आपका एग्जाम है, ठीक है, जो एयरफोर्स का एग्जाम है 24 मई को 2023 में। तो देखो बहुत ही कम समय बचा है, लगभग 1 महीना समय बचा है, आपको कैसे पढ़ना पड़ेगा ताकि आपका सिलेक्शन हो, ठीक है ना। तो देखो दो प्रकार के लड़के होंगे इस समय, एक तो वह जिनका मतलब सिलेबस कंप्लीट होगा, ठीक है ना, और दूसरे वह जिनका सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा जो एग्जाम डेट आने पर पढ़ते हैं। तो देखो अगर मान लो कि तुम्हारा सिलेबस बाबू कंप्लीट है, ठीक है, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो 1 महीना का समय बचा है, ठीक है ना, तो कैसे पढ़े ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए, ठीक है ना। इस समय लड़के बिल्कुल ही भटक जाते हैं, तो आपको भटकना नहीं है। देखो स्ट्रेटजी बनाओ, बिल्कुल ऐसा स्ट्रेटजी आपको बनाना है ताकि आपका सिलेक्शन हो, ठीक है, जो एयरफोर्स का एग्जाम है उसमें आपको सिलेक्शन लेना है। अगर फॉर्म अप्लाई किया हो तो बाबू सिलेक्शन सिलेक्शन लेने के लिए तो सिलेक्शन तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन कैसे स्ट्रेटेजी बनाए, कैसे पढ़े, वही मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले समझ लो, यहाँ पे अगर मान लो कि तुम्हारा लगभग सिलेबस कंप्लीट है, चाहे वाई ग्रुप को हो चाहे एक्स ग्रुप के, अगर तुम्हारा बाबू सिलेबस कंप्लीट है ना, तो आपको अब करना पड़ेगा एक चीज डेली, वह कि आपको मॉक टेस्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। क्रोम पर जाकर सर्च करो एयरफोर्स मॉक टेस्ट, एयरफोर्स अग्निवीर मॉक टेस्ट फ्री में मिल जाता है। अगर वैसे आपके पास थोड़ा सा रुपया है तो टेस्ट बुक कर ले सकते हो, ठीक है। तो कुछ मत करो, केवल मॉक टेस्ट लगाओ डेली दो, कम से कम एक लगाओ और अधिक से अधिक दो लगाओ। उसके बाद से जो भी नोट्स बनाए हो उसको रिवाइज करते रहो, रिविजन उसका करते रहो, ठीक है ना। अब आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, आपको सटीक पढ़ना है, बिल्कुल सटीक पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप लोग मॉक टेस्ट लगाइए, उसके बाद से डेली रिवीजन कीजिए। अब एक बात और, कई लड़के होते हैं जिनका सब्जेक्ट कोई सब्जेक्ट कमजोर होता है, ठीक है ना, जैसे किसी का रीजनिंग हो गया, किसी का मैथ हो गया, किसी का इंग्लिश हो गया। तो आपका सबसे कमजोर सब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है ना। अगर आपका सबसे कमजोर सब्जेक्ट अंग्रेजी है तो आपको अंग्रेजी पर मेहनत ज्यादा करना है, ठीक है ना। ये नहीं कि आपको आप मैथ में स्ट्रांग है, मैथ में समय दे रहे हैं, अंग्रेजी को भूल जा रहे हैं। तो बात देखिए, आपको नॉलेज नहीं लेना है, नॉलेज उतना ही लेना है जितने से आपको सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो देखिए समझिए, अगर मान लीजिए आपका अंग्रेजी कमजोर है तो अंग्रेजी पर इस समय फोकस करना है, ठीक है ना। वैसे मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर सुबह में तुम पढ़ते हो ना, तो सुबह में उठकर अंग्रेजी पढ़ो, जो वोकैब वाला सेक्शन है उसको याद करो, ठीक है। अगर सुबह में तुम लोग पढ़ सकते हो तो सुबह सुबह में उठकर वोकैब का सेक्शन याद करो, नहीं तो रात में पढ़ते हो तब भी क्या करो, याद करो, ठीक है। तो आपको अंग्रेजी पर ज्यादा फोकस करना है। उसके बाद से देखिए, अगर मान लो वाई ग्रुप वाले हो तो वाई ग्रुप का जो रीजनिंग का सेक्शन है वह तो अधिकांश लड़कों से हो जाएगा, लेकिन जो जीके जीएस का जो प्रश्न आता है ना, उस पर आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन किताब लिए हो आपको क्या करना है, वही ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट लगाना है, उसके बाद से जितना सिलेबस पड़े उसका रिवीजन करना है, ठीक है। अगर मान लीजिए सिलेबस नहीं कंप्लीट है तो थोड़ा सा कंप्लीट करो, ट्राई टू कंप्लीट इट, मतलब ट्राई कीजिए कि ताकि कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो मेन स्ट्रेटेजी यही है, पहला तो आपको मॉक टेस्ट लगाना है, ठीक है ना, मॉक टेस्ट भूलना मत, ठीक है ना। पहल का आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाना है। दूसरा बात क्या है, आपको रिवीजन करना है, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन। और तीसरा यह है कि सबसे पहले पहचानिए आपका सब्जेक्ट, सब में से कौन सा सब्जेक्ट आपका कमजोर है, उस पर ज्यादा मेहनत करना है। जैसे इंग्लिश हो गया तो इंग्लिश पर ज्यादा मेहनत कीजिए, तीन को बात आपको इस समय करना ही पड़ेगा। और ये चौथा यह कि जिनका भी सिलेबस नहीं कंप्लीट होता तो थोड़ा थोड़ा समय देकर सिलेबस को कंप्लीट करो, और जो तीन बात बताया हूँ इसको भी करो, ठीक है। और देखिए यहाँ पे कम से कम आपको 7 घंटा तो पढ़ो ही पढ़ो, ठीक है, इस समय कम से कम 7 घंटा पढ़ो। और 7 घंटे ऐसे पढ़ो ताकि आपका रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करो, 3-4 घंटा रिवीजन करो, जो भी नोट्स बनाए उसका रिवीजन करते रहो। अंग्रेजी पर ज्यादा, अंग्रेजी का जो वोकैब वाला कॉपी बनाए होगे उसका भी तुम लोग क्या करो, रिवीजन करो, ठीक है। तो देखो भूलना नहीं है, सबसे पहले आपको मॉक टेस्ट लगाना है, दूसरा रिवीजन करना है, और तीसरा देखना है कौन सा हमारा सब्जेक्ट कमजोर है उस पर फोकस करना है। और चौथा बात यह है कि अगर मान लीजिए आपका सिलेबस थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ है तो उसको अलग से कंप्लीट करने जाना है। तो देखिए यहाँ पर देखो 1 महीना समय है, अधिकांश लड़के डिमोटिवेट हो जाते हैं, बोलते हैं हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। सभी लड़के भटकेंगे, 1 महीना समय है, अधिकांश लड़के भटकेंगे, लेकिन आपको नहीं भटकना है, ठीक है ना।
अगर जितना भी देखो जितना भी तुम्हारा तैयारी है ना, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ मेहनत करते रहिए, भटकिए मत, ठीक है ना। कितने लड़के डिमोटिवेट हो जाता है, अरे साला हमारा तैयारी है नहीं है, सिलेक्शन में नहीं होगा। तो देखो ये सब नहीं करना है, ठीक है ना। जितना भी तैयारी है ट्राई कीजिए, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहे, बिल्कुल थोड़ा सा मोटिवेट रहिए, ठीक है ना। क्योंकि लाखों लड़के डिमोटिवेट हो जाएंगे, अगर आप भी उसमें से होंगे ना डिमोटिवेट हो जाएंगे, तो आपका सिलेक्शन होगा ही नहीं, समझ रहे हैं ना। तो डीमोटिवेट मत होगी, आराम से बिल्कुल क्या करना है आपको, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बनाना है, ठीक है ना। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखना है और मोटिवेशन के साथ पढ़ाई करते रहना है। तो जैसे बताया हूँ, आई होप आपको बिल्कुल ये देखो ये स्ट्रेटेजी अपना लो, ठीक है ना। स्ट्रेटेजी बहुत ही पेपर की, जब पेपर में बैठे हुए ना तब बोलोगे कि बिल्कुल सही बताया था, ठीक है ना। ये कर लो 1 महीना, सिलेक्शन के बहुत सारी गारंटी हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू।